हाय, मेरा नाम रोहित कुमार श्रीवास्तव है और ये मेरा आईडी प्रूफ है, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं रोहित कुमार श्रीवास्तव हूँ। ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको फीडबैक दिया जाता है और मैं कुछ दिन पहले, आज से करीब 3-4 महीने पहले, मैंने बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, वो हमारा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। जब मैंने रिजेक्ट का रीज़न पूछा तो मुझे पता चला कि मेरा सिविल स्कोर बहुत कम है। फिर मैं पूछा ये सिविल स्कोर क्यों कम है, तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं हमको बताया। फिर मैं अपने ऑफिस में ही, मुझे लोगों ने बताया कि क्या आपने पहले कुछ लोन लिया था क्या, तो मैंने बोला हाँ, मैंने मेरे नाम से 3 लोन था और एक लोन जो मैंने अपने जानने वाले को अपने नाम पे मैंने बाइक दिलवा दिया था, उसने वो पैसा रिपेमेंट टाइम से नहीं किया और वो लोन नियर अबाउट 6 ईयर के ऊपर हो गया था जो कि डिफ़ॉल्ट हुआ मेरे नाम से। इसके अलावा 2 अकाउंट और था जो डिफ़ॉल्ट हुआ, वो मैंने ही किया था। मैंने टाइम से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पेमेंट नहीं भर पाया था जो कि वो ओवरड्यू हो गया, उसके वजह से मेरा सिविल स्कोर बहुत ही डाउन हो गया था। फिर मैंने सोचा क्या करूं, मुझे बिल्कुल एकदम से ना नींद आता था ना मैं कुछ काम कर पाता था क्योंकि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ती तो कंपल्सरी उसमें सिविल स्कोर चेक किया जाता। फिर मैं यूट्यूब पे जा कर के देखा तो मुझे पता चला अपूर्वा फाउंडेशन बोल करके एक सिविल रेक्टिफिकेशन कंपनी है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने हमको बताया कि हाँ, आपका सिविल क्लियर हो जाएगा लेकिन जो भी आपका अमाउंट ड्यू है वो पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। फिर ये बातें हमने अपने यहाँ पे ऑफिस में भी मैंने लोगों से डिस्कस किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे है, मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, क्या ये सही है। तो बहुत से लोगों ने मुझे मिसगाइड किया कि देखो वो गुजरात की कंपनी है, आप हैदराबाद में हो, आप कैसे जान पाओगे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो मुझे भी फिर थोड़ा डाउट आया, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अगर मैं किसी ना किसी से तो मुझे काम कराना ही पड़ता क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि सिविल को कैसे अपडेट कराना है, बैंक में कैसे जमा करना है पैसा, पैसा ले जमा करने के बाद एनओसी कब आएगा, एनओसी को कैसे भेजना है जो मेरा सिविल में अपडेट हो, इसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं था। फिर अपूर्वा फाउंडेशन से काम कराने के लिए मैं एग्री हो गया। मैंने उनको अपना काम दिया था 29 जुलाई को और उन लोगों ने 5 अगस्त से हमारा काम स्टार्ट कर दिया था। मेरा तीन अकाउंट डिफ़ॉल्ट हुआ था जिसमें एक अकाउंट ओवरड्यू और 2 सूट फाइल हो गया था, मेरे नाम से मुकदमा भी दायर हो गया था। उसके बाद वो विलफुल डिफ़ॉल्ट, मतलब वो बट्टे खाते में वो पैसा डाल दिया गया था, लेकिन जब तक मैं उसको क्लियर नहीं करता हमको भविष्य में कभी भी कहीं भी कोई भी लोन नहीं मिलता। और 5 अगस्त से उन लोगों ने काम स्टार्ट किया और 2 अकाउंट कोटक का जो मेरा ओवरड्यू था वो 1.5 महीने पहले ही क्लोज हो गया और एनओसी भी हमको आ गया। और एक जो हीरो का था, जिसको बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, वो 1,43,000 ओवरड्यू था। अपूरा फाउंडेशन में एक जिग्सा मैम बोल करके हैं, उन्होंने आरबीआई कंप्लेंट
उन्होंने मेरे से पूछा, क्या आप इतना पैसा जमा कर सकते हैं? मैं बोला, नहीं मैम, मैं इतना नहीं जमा कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं इतना पैसा नहीं जमा कर पाऊँगा। फिर उन्होंने बोला, ठीक है, फिर हम RBI कंप्लेन करेंगे, बट उस RBI कंप्लेन में जो भी RBI फिक्स कर देगी ये अमाउंट पे करना, वो हमको पे करना ही पड़ेगा। मैं एग्री हो गया, मैं बोला ठीक है। इत्तफाक की बात है कि मैं इतना लकी था कि RBI ने 40,000 में वो फाइनल किया। मैंने वो 40,000 जमा किया, बट उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मेरा वो क्लोज हो जाएगा और मुझे NOC आएगा। बट आज मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, एक मिनट जस्ट, ये मेरा हीरो फिनकॉन कॉरपोरेशन का NOC है। हीरो फिनकॉर्पोरेट, ये कोटक का NOC है। ये कोटक का दूसरा NOC है। और ये देखिए, जिस टाइम पे मैंने अपूरा फाउंडेशन को अपना काम कराने के लिए उन लोगों को मैंने दिया था, उस टाइम पे मेरा सिविल स्कोर 400 चेंज था, और अभी मेरा न्यू सिविल रिपोर्ट आया है 650। ये देखिए, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपूरा फाउंडेशन को, अवि सर को, जिक्सा मैम को, और ख़ास करके मिस जिक्सा मैम ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। उन्होंने जितना मेरा मुझे बेनिफिट हुआ, मुझे अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट पूरा तीनों अकाउंट का पैसा मिला करके मुझे 2 लाख चेंज मेरे को भरना था, जबकि मेरा 80,000 में पूरा क्लियर हो गया। इसके लिए मैं खास करके जिक्सा मैम को बिग थैंक्स बोलना चाहता हूँ, अपूरा फाउंडेशन को भी बिग थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पूरा वर्क करके दिया, और आज की डेट में मैं इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और फ्यूचर में मैं कभी भी अगर अहमदाबाद जाऊँगा तो मैं ज़रूर एक बार पूर्वा फाउंडेशन के ऑफिस में जाऊँगा और सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करूँगा वहाँ पर जा करके। मेरे बहुत अच्छा काम हो गया, मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही हैप्पी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।